वेलकम टू द चैनल बुक्स भंडार। एक ऐसी मूवी जिसके रिलीज होने के तुरंत बाद हॉलीवुड ने उसके राइट खरीद लिए और अब किल मूवी का रीमेक हॉलीवुड में बनने जा रहा है। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कम बजट में अच्छी एक्शन फिल्में भी बनाई जा सकती हैं। फिल्म के अंदर एक्शन ऐसा है कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आज इस वीडियो में आपको उन्हीं एक्शन के पीछे का सच बताएंगे कि ये एक्शन सीन और बाकी की सारी फिल्मों की शूटिंग कैसे हुई थी और ये कैसे बनकर तैयार हुई थी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस फिल्म के अंदर हमें लक्ष्य लीड रोल में नजर आते हैं, जो एक एनएसजी कमांडो की भूमिका में है। तानिया मनिकताला, राघव जुवाल, आशीष विद्यार्थी जैसे स्टार हमें फिल्म के अंदर नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट थे, करण जोहर और गुनीत मुंगा इसके प्रोड्यूसर। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी। सबसे पहले बात करेंगे इस सीन की, जो फाइटिंग सीक्वेंस में ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि फाइटिंग सीन को शूट करने से पहले कैसे एक्शन डायरेक्टर और एक्शन मैनेजर उन्हें सीन को समझा रहे हैं। इस एक्शन सीन को परफेक्ट शूट करने के लिए फिल्म मेकर्स ने कोरियन एक्शन डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया था, ताकि एक्शन सीन में कोई भी कमी न रह जाए। इस एक्शन सीन के लिए लक्ष्य को कोरियन एक्शन डायरेक्टर ने 4 महीने तक मार्शल आर्ट सिखाई थी और ये इसके लिए एनएसजी कमांडो के कैंप भी गए थे, उन्हें देखने की उनकी लाइफ कैसी होती है। इस ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। मेकिंग ऑफ ट्रेन सीन। हम फिल्म में देखते हैं कि पूरी की पूरी फिल्म ट्रेन में खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कोई रियल ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक सेट था जो मेकर्स ने बहुत मेहनत करके खुद बनाया था। बनाने के बाद ये एकदम रियल ट्रेन लग रही थी। ये ट्रेन वाला सेट बनाना मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म थी जिसे एक रियल तरह से शूट किया जाना था। इस सीन को रियल ट्रेन में शूट करना बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, हाउ टू मेक अ सेट। मयूर शर्मा, जो इस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर है, वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में फिल्मों के अंदर टेम्पल्स को डिजाइन किया, पैलेसेस को डिजाइन किया, लेकिन मैंने आज तक ट्रेन डिजाइन नहीं की। I build dams, I build mandir, I build palaces and but not train. ट्रेन सेट डिजाइन से पहले मयूर शर्मा ने पहले ही ट्रेन का डिजाइन पेपर बोर्ड पर क्रिएट कर लिया था, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ट्रेन डिजाइन करते वक्त एक भी गलती नहीं की, क्योंकि 18% लोग भारत में ट्रेन से ही सफर करते हैं, इसलिए ये लोगों के साथ चीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को पता होता है कि ट्रेन कैसी दिखती है। 80% Indian people are traveling from train, so they know how the train is look like. You can't cheat people, you can't fake train. ये सारा सेट उसी मटेरियल से बनाया गया था जिससे कि रियल ट्रेन बनाई जाती है, जिसकी वजह से सेट के ट्रेन के एक एक डोर का वजन 200 किलो तक चला गया था। The entire set was made of the material which is actually used for trains. I remember that one door to be over 200 kg steel. इसके साथ साथ प्रोडक्शन डिजाइनिंग टीम ने एक मिनी ट्रेन सेट भी बनाया था, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ट्रेन का सेट बनाया गया था तो पैसेंजर ट्रेवल करते समय हिल कैसे रहे थे, जैसा रियल ट्रेन में हिलते हैं। इसके लिए फिल्म प्रोडक्शन डिजाइनिंग टीम ने सेट वाली ट्रेन के नीचे एक मोटर लगाई थी, जिससे लगे कि ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन तो चलो बना दी सेट, अब ये इफेक्ट कैसे देंगे? सस्पेंशन ऑन, रोल साउंड, रोल कैमरा। तब तक देखा तो एक और बंदा है, उसने एक और बटन दबा दिया, नीचे मोटर लगी है, ट्रेन इज मूविंग। ये तो आपने देखा ही होगा कि इतने खून खराबे के बाद पूरी ट्रेन का डिब्बा खून से रेड रेड हो गया था। इसे रियलिस्टिक दिखाने के लिए मेकर्स ने रेड कलर का यूज किया था, ताकि सीन में खून परफेक्ट आ सके। हम देखते हैं कि ट्रेन चलते समय जो रेलवे ट्रैक पर लाइट होती है वो हमें दिखाई जाती है, उन लाइट का रिफ्लेक्शन ट्रेन चलते समय हमें ट्रेन के अंदर दिखाई जाता है। फिल्म में ऐसा दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफर राफेल महमूद ने इस सीन को परफेक्ट दिखाने के लिए रोटेटिंग लाइट और इनके क्रू मेंबर लाइट को इस तरह से लेकर घूम रहे थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे ऐसे लगे कि ट्रेन एक रनिंग पोजीशन में है। कुछ इस तरह से ही किल मूवी की शूटिंग कंप्लीट की गई थी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये फिल्म कैसे बनकर तैयार हुई थी। लगान मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।